हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7। हम लोग क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 1 कर रहे थे, दैट इज नंबर सिस्टम। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4। ठीक है, दैट इज एक्सरसाइज 1.3। इसके साथ साथ मैंने आप लोग को ये भी एक्सप्लेन किया था एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 का जितना भी क्वेश्चन था। ठीक है, और उसी के साथ साथ हम लोग रिवीजन चैप्टर भी खत्म कर लेंगे। अगर ये सारा क्वेश्चन अगर आपको रिवीजन चैप्टर का या एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 का अच्छे से सीखना है तो आप लोग इसको देख सकते हैं यूट्यूब में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। यहाँ पे हमें दिया गया है, दैट इज एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 में, राइट 3 नंबर्स हूज डेसिमल एक्सपांशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। हमें 3 डेसिमल नंबर लिखना है। ठीक है, जिसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होना चाहिए, कंडीशन दिया है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो थ्री नंबर्स हूज डेसिमल एक्सपांशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आर। अब मैंने आप लोग को एक क्वेश्चन कराया था, दैट इज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, वो आप लोग अच्छे से देख लेना, तब ये क्वेश्चन आप लोग को इजी लगेगा। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब होता है ऐसा नंबर जो बार बार रिपीट करे और उसका रिमाइंडर जीरो नहीं आता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो हम लोग को भी नॉन टर्मिनेटिंग 3 नंबर लिखना है, 3 नंबर। ठीक है, जो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, तो वो आप कैसे लिखोगे उसका भी ट्रिक है। ठीक है, देखिए सबसे पहला नंबर 1 सपोज लिखते हैं, जैसे 0.02 लिखा। ठीक है, यहां पे कितना जीरो दिया आपको, एक ही दिया। ठीक है, अब दूसरा बार में लिखोगे 2.02, फिर तीसरा बार में 3.02। ठीक है, फिर और एक बार लिखोगे तो 4.02। ठीक है, और ऐसे करके क्या होगा, ये रिपीट होगा। ठीक है, ये लिखने का तरीका है, जैसे कोई भी नंबर लिख सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। जैसे आप लोग लिखो, सपोज मैंने 0.4 लिखा, 0.04 लिखा, तो ये तो टर्मिनेटिंग हो गया, यही तक खत्म हो गया, लेकिन मुझे क्या लिखना है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो 0.04 लिखने के बाद में 0, फिर 2 बार आएगा, फिर 4, फिर 0, मतलब कहने का मतलब 0 बार बार रिपीट होगा लेकिन 4 नहीं होगा, 0 बढ़ते जाएगा लेकिन 4 एक ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0.004, फिर 3 हो गया, फिर और 4, और ऐसे करके ये बार बार रिपीट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं पॉइंट नंबर 2 लिखू, दूसरा नंबर लिखू, तो सपोज मैं ये लिखा 0.32। ठीक है, 0.32, तो मुझे तो क्या चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। पहला जो नंबर होता है पॉइंट के बाद जो नंबर होता है वो बार बार रिपीट करता है, तो यहाँ पे 1 है, फिर क्या होगा, अभी 2, 2, 2, 3। ठीक है, फिर 2 के बाद क्या होगा, फिर 3 कितना बार आएगा, 3 टाइम्स आएगा, फिर 2, फिर 3 कितना बार आएगा, 3 बार, फिर आगे क्या आएगा, 4 बार आएगा, लेकिन जो 2 है वो फिक्स रहेगा, जो भी पॉइंट के बाद नंबर होगा उसको आपको बार बार रिपीट करना है। ठीक है, और उसको बढ़ाना एक ही करके। ठीक है, तो दूसरा नंबर हो गया, सपोज नंबर 3, जैसे 0.285 देखिए। ठीक है, 0.285 देखिए, अब इसके बाद मैंने क्या बोला, पॉइंट के बाद जो नंबर है वो क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा, तो 2 है एक बार, फिर क्या होगा, 2 बार, फिर 8.56, फिर क्या होगा, 2 दो बार हो गया, फिर 3 बार लिखिए, फिर 8.56। ठीक है, अब 2 कितना बार, 3 बार है, फिर एक बार लिखिए,
थे और एक बढ़ा देते टू 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 चार बार हो जाएगा और 8 5 6 और ये टोटल ऑफ 6 ठीक है। अब इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर ठीक है। तो ये हो जाता है कंप्लीट दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोग को समझाऊंगा दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.3 का ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया गया हमें फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर, हमें 3 इरेशनल नंबर निकालना है जो बिटवीन इसके ये नंबर और ये नंबर के बीच में हो और ये दोनों नंबर जो है वो क्या इरेशनल है। हम लोग को 3 इरेशनल नंबर निकालना है जो इस नंबर और इस नंबर के बीच में हो। अब याद रखना इरेशनल नंबर मैंने आप लोग को समझाया था जो भी नंबर रूट के फॉर्म में हो, इरेशनल नंबर उसे बोलते हैं जो रूट के फॉर्म में ठीक है। लेकिन रूट के फॉर्म में तो होगा लेकिन जिसका रूट नहीं आ रहा ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 4 का बात करें तो ये 4 का रूट आ जाता है, कितना होता है 2 होता है ठीक है। लेकिन अगर बात करूं रूट 2 का तो इसका रूट 5 नहीं होता, तो जिसका रूट 5 ना हो तो उसको क्या बोलेंगे तो इरेशनल। जिसका रूट 5 हो सकता है उसको इरेशनल नहीं बोलेंगे ठीक है। दूसरा चीज इरेशनल मतलब जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं नंबर उनको भी हम लोग क्या बोलते हैं इरेशनल ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको इन दोनों के बीच में नंबर लिखना है 3 2 जो कि इरेशनल होना चाहिए तो सबसे पहले इसके पे आप लोग इन दोनों को डिवाइड करें ठीक है 5 5 7। तो अगर इसको दोनों को डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, ऊपर कितना है 5 है तो जो ऊपर होता है उसको हम लोग अंदर लिखते, जो नीचे होता है उसको बाहर लिखते ठीक है। अब यहाँ पे 7 का टेबल में 5 तो नहीं आता है तो यहाँ पे पॉइंट देंगे तो 0 आता है ठीक है। 7 7 4 14 है, इसको माइनस करते हैं तो कितना आएगा 1 आएगा ठीक है। अब पॉइंट दिया है 0 लगा सकते ठीक है। 7 1 7 इसको माइनस करते कितना आएगा दैट इज 3 ठीक है। आप पॉइंट लगाया यहाँ पे 0 लगा सकते हैं ठीक है। तो 7 4 कितना होता है 20 है, फिर माइनस करेंगे तो कितना आएगा दैट इज 2 ठीक है। फिर 7 आप यहाँ पे पॉइंट लगाए तो यहाँ पे 0 दे सकते हैं ठीक है। तो 7 7 2 का कितना होता है 14 होता है, इसको माइनस करते तो कितना आएगा दैट इज 6। आप पॉइंट लगाए यहाँ पे 0 लगा सकते हैं ठीक है। अब 7 8 कितना होता है 56, अब इसको माइनस करते कितना आएगा दैट इज 4। पॉइंट लगाया है 0 लगा सकते हैं ठीक है। फिर 7 7 5 35, तो 7 5 कितना होगा 35। अब इसको अगर माइनस करिए तो कितना आएगा 5, वापस यहाँ पे 5 आ गया जो पहले था न्यूमरेटर पे वही रिमाइंडर में भी आ गया। तो दैट मीन्स ये नंबर क्या होगा इतना के बाद बार बार रिपीट करेगा, कहने का मतलब अगर 0.71428 आ गया 4285 तो फिर से क्या आएगा, आप लोग जब डिवाइड करते हो तो क्या आएगा 7 1 4 2 8 5, ये बार बार रिपीट होती जाएगा ठीक है। तो आपको यहीं तक छोड़ देना ठीक है। अब क्या करना है आप लोग को 9 by 11 का डिवाइड करना है। तो ऊपर कितना है 9 है, नीचे कितना है 11 है ठीक है। पॉइंट देंगे 0 9, तो 11 8 कितना होता है 88, इसको माइनस करते हैं तो 2 आएगा। पॉइंट दिया 0 लगा सकते हैं तो 11 1 11 माइनस, फिर कितना हो गया पे अगर इसको माइनस करे तो 10 में से 1 गया तो 9 ठीक है। फिर से पॉइंट दिया 0 लगा सकते हैं 11 8 88 माइनस, फिर 2 आएगा। तो देखो आप लोग फिर से यहां पे 8 1, फिर से अगर देखें 11 करेंगे 11 1 का 11 पॉइंट दिया 0 लगा सकते हैं तो 11 1 3 फिर 9 आ गया। तो देखो बार बार क्या आ रहा है, न्यूमरेटर आ रहा है, तो दैट मीन्स ये क्या होगा 8 1 8 1 8 1 रिपीट होती जाएगा ठीक है। और अब हम लोग को इन दोनों नंबर के बीच में क्या लिखना है दैट इज इरेशनल नंबर ठीक है। तो लिखेंगे
देयरफॉर थ्री इरेशनल नंबर बिटवीन दैट इज 5/7 एंड 9/11 इज। अब यहाँ पे हम लोग को 71 और 81 के बीच में नंबर लिखना है, ठीक है। तो मान लेते हैं 71 के और 81 के बीच में नंबर 75 मान लेते हैं, ठीक है, या 750, ठीक है, 0.750 मान लेते हैं। तो अगर आपने 750 लिया ना, अगर आपने 750 लिया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप लोग 75, ये जीरो है ना, एक बार आपको दो बार लिखना है, ठीक है। फिर आप इसको लिखो 75, अब जीरो कितना बार होगा, तीन बार। कहने का मतलब अब ये जीरो जो लास्ट में है वो रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो ये रिपीट होते जाएगा, ठीक है। ये एक नंबर हो गया। अब दूसरा एक नंबर लेते हैं, सपोज नंबर टू, 0.10 दे दिया, तो बताओ यहां पे क्या है, 10। अब इसका अगला नंबर क्या होगा, दैट इज 800, क्या होगा, 800, 10 है ना, फिर कितना होगा, 00, फिर कितना होगा, फिर 800, और इसके साथ क्या होगा, ये बार बार कंटिन्यू करेगा, ठीक है, क्लियर है। अब और एक नंबर लिखते हैं थर्ड, क्योंकि तीन बोला था, अब क्या करेंगे, हम लोग दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे मान लो दैट इज 0.721 दे दिया, 0.721 जो कि इसके बीच में लाई करता है, 71 और 81 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो यहां पे फिर दूसरा नंबर क्या होगा, 7, अब ये टू बार बार रिपीट होगा, 221, ठीक है, 7221, ये टू बार बार रिपीट करेगा, ठीक है। फिर क्या आएगा, 7221, ठीक है, 221, और ये बार बार क्या होगा, रिपीट होगा, ठीक है। तो पहला नंबर देखो 75 है, तो 75 क्या है, 71 और 81 के बीच में लाई कर रहा है। दूसरा नंबर क्या है, 80, जो कि 81 और 71 के बीच में लाई कर रहा है। तीसरा नंबर क्या है, 72, पहला दो डिजिट है 72, जो कि 71 और 81 के बीच में लाई कर रहा है। देयरफॉर 3 इरेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर मतलब जिसका रिमाइंडर जीरो नहीं है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाता हमारा, दैट इज क्वेश्चन नंबर ए, एक्सरसाइज 1.3 का। अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, तो इसके बाद अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 1.3 का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज इरेशनल, एज रेशनल और इरेशनल। हमें ये बताना है, ये जितना भी क्वेश्चन दिया 1 से लेकर 5 तक, ये 5 में से कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो अगर आप लोग देखो, मैंने ये बताया था कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं, रेशनल नंबर जो होता है वो नंबर होता है जो किस फॉर्म में हो, p/q फॉर्म में, ठीक है। और क्या हो, यहां पे रिपीटिंग हो, ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब जिसका रिमाइंडर जीरो आ जाए या जिसका रूट आ जाए और जिसको हम लोग p/q फॉर्म में लिख सके, उसे हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। और इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे, इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसका रूट हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है, और उसी के साथ साथ वो क्या हो, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, दैट मींस उसका रिमाइंडर जीरो ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखें, ठीक है, अगर सॉल्यूशन करें क्वेश्चन नंबर 1 का, तो यहाँ पे रूट ओवर 23 है। अब बताओ आप, ये 23 जो है ये किसी का भी स्क्वायर रूट है क्या, तो 23 जो है ये किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता, बिकॉज हम लोग जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16,
5 का स्क्वायर 25, तो आप बताओ यहाँ पे 23 तो आ नहीं रहा है, तो दैट मीन्स इसका क्या होगा, रूट फाइंड नहीं होगा। तो अगर जिसका रूट फाइंड नहीं होता है, जिसका रूट डिटरमाइन नहीं हो सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल। तो क्या हो जाएगा, वन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर हम लोग टू करते हैं, तो अगर टू को देखो आप लोग, ये टू जो है, ये टू जो है रूट ओवर 225 है, और ये जो 225 है ना, ये याद रखिएगा 15 का स्क्वायर होता है 225, तो दैट मीन्स इसका रूट आ रहा है कि नहीं, तो जिसका रूट आ जाए उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रेशनल नंबर, ठीक है। तो नंबर टू क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री का, अगर आप लोग थ्री नंबर देखो, यहाँ पे थ्री नंबर क्या है, ये थ्री नंबर जो है इसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इसको पॉइंट से हटाए, तो अगर पॉइंट से हटाए तो ये क्या होगा, दैट इज 3796 बाई 140 होता है ना। तो इसको मैंने क्या किया, पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा, तो जो नंबर को हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में लिख दे वो क्या होगा, दैट इज रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर का, तो यहाँ पे फोर नंबर देखो, अगर ये फोर नंबर में क्या दिया है, 4 7.478478, ये वाला नंबर बार बार रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है। ये नंबर क्या हो जाएगा, दैट इज जो फोर नंबर हो जाएगा वो क्या होगा, दैट इज रेशनल नंबर। बिकॉज आप लोग को क्वेश्चन याद होगा कि अगर आप लोग को कुछ ऐसा दे दे क्वेश्चन, दैट इज 7.35 और उसके ऊपर बार लिख दे, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते थे, 7.353535 लेके डॉट करके इसको इक्वेशन मान देते थे, लेट एक्स इक्वल टू, ऐसा क्वेश्चन कर चुके हम लोग ऑलरेडी, है ना। और लास्ट में क्या आता था, लास्ट में हम लोग को फ्रैक्शन नंबर मिलता था पी बाई क्यू फॉर्म, तो दैट मीन्स ये भी क्या होगा, ये भी होगा रेशनल नंबर, ठीक है। तो फोर नंबर क्या हो गया, दैट इज फोर नंबर भी क्या हो जाएगा, दैट इज रेशनल नंबर, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फाइव का, क्वेश्चन नंबर फाइव थोड़ा अजीब है, इसको आप लोग देख लो, इसका मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको, ठीक है, दैट इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कैसे है, देखो पॉइंट के बाद 10 आया, ठीक है। अब ये 0 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, 0 एक बार था, फिर डबल हुआ, फिर ट्रिपल हुआ, फिर चार बार हुआ, फिर पांच बार होगा, ठीक है नहीं। तो ऐसा नंबर मैंने किस में लिखाया था, रेशनल नंबर। तो ऐसा अगर नंबर का रिपीट तो ये भी कर रहा है, देखो आप लोग रिपीट ये भी कर रहा है, तो कोई नंबर दो बार आ रहा है, दो बार आ रहा है कि नहीं, दो बार आ रहा है क्या यहाँ पे, कोई भी नंबर दो बार नहीं आ रहा, बिकॉज ये टू टाइम्स नहीं आ रहा। अगर ये टू सेवन यहाँ पे एक बार है और एक और यहाँ पे दो बार आ जाता तो इसको हम लोग इरेशनल बोलते थे, लेकिन यहाँ पे देखो आप लोग इन दोनों को कंपेयर करें तो सेम ही है, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे एक नंबर जो है बार बार क्या हो रहा है, वो डबल हो रहा है, ठीक है। ये एक बार था, ये दो बार हो गया, फिर तीन बार, फिर चार बार, फिर पांच बार जीरो होगा, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, इसमें क्या हो रहा है, 478 है, तो 478 ही है और आगे भी 478 ही आएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स ये क्या होगा, ये जो नंबर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज इरेशनल, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइव को इरेशनल, तो यहाँ पे क्या होगा, फाइव का आंसर इरेशनल। तो रेशनल इरेशनल का कंसेप्ट एकदम याद होना चाहिए। पहला बात, अगर कोई भी नंबर का रूट आया जाता है तो दैट मीन्स वो क्या होगा, रेशनल नंबर। जो नंबर का रूट नहीं आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल, जैसे कि ये हो रहा, ठीक है। दूसरा चीज ये याद रखना आप लोगों को कि जो नंबर पॉइंट के बाद जो बार बार रिपीट करता है, मतलब बार बार बढ़ते चला जाता है, उसको हम लोग इरेशनल बोलते हैं। जैसे कि ये वाला देखो, एक बार जीरो था, फिर डबल हुआ, फिर ट्रिपल हुआ, फिर चार बार हुआ, तो दैट मीन्स जीरो क्या हो रहा है, बार बार बढ़ रहा है, तो दैट मीन्स ये क्या हुआ, इरेशनल, ठीक है। और ये क्या, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाता हमारा एक्सरसाइज 1.3।
का सारा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को सिखाऊंगा, दैट इज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.4, ठीक है। तो ये जितना भी क्वेश्चन आप लोग कराया इसको अच्छे से घर में प्रैक्टिस कीजिएगा और अपना कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कीजिएगा, और ऐसा डिफरेंट डिफरेंट